गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माई यूट्यूब चैनल PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। माई डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम हियर टू डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQ क्वेश्चंस। क्योंकि आई नो कि CBSE का अगर हम पैटर्न देखें तो उसमें नियर अबाउट 12 मार्क्स के आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चंस एंड देन 4 असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 2 केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस भी CBSE ने पैटर्न में डाले हुए हैं। तो मैं देखता हूं कि बहुत बच्चे जो है MCQs में एक छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स की वजह से 1-1 मार्क्स जो है अपने डिडक्ट करवा लेते हैं। और जैसा कि एग्ज़ाम्स अभी थोड़ा सा मोस्टली स्कूलों में आप देखें तो एंड द अगस्त और फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में शुरू हो जाएंगे, तो बच्चों को बोर्ड में भी अगर देखें तो MCQs बच्चे जो है सही अटैम्प्ट नहीं कर पाते। तो इसीलिए बहुत सारे कमेंट्स मुझे जब मिले कि सर प्लीज़ MCQ बेस्ड क्वेश्चंस हमें समझाए जाएं वीडियो लेसन्स के थ्रू, तो मैंने सोचा कि डेफिनेटली इस पे काम किया जाए ताकि बच्चे जो है इन फ्यूचर इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस ना कर पाए। तो बोर्ड के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ एक MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ। और आगे भी अगर आप मेरे चैनल से जुड़ते हैं तो इस पूरा मंथ और नियर अबाउट 2 मंथ मैं MCQ पे काम करने वाला हूँ ताकि आपका जो ये MCQ बेस्ड कंसेप्ट है इसको मैं स्ट्रॉन्ग कर सकूँ और यहाँ पे आपका 1 मार्क्स का डिडक्शन ना हो। दैट्स व्हाई आई एम हियर एंड कमिंग विद ए न्यू वीडियो बेस्ड ऑन द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है मैंने यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक से लिए। आगे भी मेरे फर्दर वीडियोस आते रहेंगे, आप उसे जुड़े रहें ताकि आप MCQs को देख पाए। तो इनको समझाने के लिए आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस MCQ बेस्ड क्वेश्चंस एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माय YouTube चैनल PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। सो फ्रॉम देयर यू कैन डाउनलोड द वीडियो एंड सी एंड लर्न हाउ वी हैव टू अटेम्प्ट दीज टाइप्स ऑफ MCQ बेस्ड क्वेश्चन बिकॉज दीज आर द मार्क्स गेनिंग क्वेश्चंस और इससे आपका परसेंटेज भी अप होता है। तो तभी हम इस पर आज फोकस कर रहे हैं और जल्दी मैं इसका वीडियो भी आपको शेयर कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस कुछ MCQ बेस्ड क्वेश्चंस को और देखते हैं इनके आंसर्स विद इन फ्यू सेकेंड्स। फर्स्ट, द कॉज ऑफ क्वांटिनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज, और 4 ऑप्शंस आपके सामने गिवन है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन्स, ट्रांसफर ऑफ इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नन ऑफ द अबव। बड़े ध्यान से समझे, जब मैंने आपको क्वांटिनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया था तो वहां मैंने डिस्कस किया था द चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज। मीन्स सपोज अगर आपके पास 2 बॉडी हैं, दिस इज द बॉडी ए एंड दिस इज द बॉडी बी, when you have to rub against with each other then there is a transfer of the charge particle will take place, means ek body se charge dusre ki taraf jayega, jahan se charge particle jayega definitely wahan kuch na kuch sign aayega। suppose main kehta hu ki electrons jo hai wo yahan se shift hue b ki taraf, to it will take some positive sign and it will take some negative sign, means where the electron is to be moving the body will acquire positive charge due to the deficiency of the electron, where the body will gain some electron the body will gain some negative charge। to maine aapko quantization mein bataya tha ki jo ye charge hai ye quantized form mein jata hai, means integral form mein jata hai, kabhi bhi aisa nahi hota ki 1/4 electron transfer ho jaye ya 2/5 electron transfer ho jaye, means it will be transferred in the form of integral। to क्या इसका आंसर बनेगा, देखिए ध्यान से, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज नॉट द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि हमें क्या पता कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन्स हमें नहीं पता कितने हो रहे हैं, क्योंकि क्वांटिनाइजेशन कहता है द चार्ज विल बी ट्रांसफर्ड ओनली इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल फॉर्म, इंटीग्रल फॉर्म में ट्रांसफर होगा, मीन्स या तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे या 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे या 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 2/3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, 3/4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। इट मींस चार्ज जो है इट विल बी क्वांटाइज एंड द काज ऑफ क्वांटिनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो होंगे लेकिन इंटीग्रल फॉर्म में ट्रांसफर होंगे, प्लस माइनस Ne, या तो n की वैल्यू 1 होगी प्लस माइनस 1, या फिर n की वैल्यू आपकी 2 होगी प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, या फिर n की वैल्यू प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। द चार्ज विल बी ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल, आंसर इज सी, ट्रांसफर ऑफ इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये आपके बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन था
और ये क्वेश्चन एक बच्चा जिसका नाम चारू था उसने गलत किया था, दैट्स व्हाई मैं इस क्वेश्चन को लेके आया हूं। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नाउ एसआई यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, चार ऑप्शन आपके सामने गिवन है, न्यूटन, न्यूटन पर कूलम, कूलम पर मीटर स्क्वायर एंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो तुक्का नहीं लगाएंगे, ध्यान से देखेंगे। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एज पर डेफिनेशन व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो फोर्स की यूनिट न्यूटन, चार्ज की यूनिट कूलम, द आंसर इज न्यूटन पर कूलम। तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज न्यूटन पर कूलम, सो बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल चार्ज इज, मीन्स एक सिंगल चार्ज की वजह से अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, एसिमेट्रिक, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक, स्पारिकली सिमेट्रिक, नॉन ऑफ द अबव। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था देयर आर द टू काइंड ऑफ चार्जेस, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। प्लस क्यू भी इलेक्ट्रिक फील्ड को इमिट करता है, एंड इट विल इमिट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और माइनस क्यू भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस को, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो अंदर की ओर रहती है। तो इट मीन्स दिस इज स्पैरिकली सिमेट्रिक, द आंसर इज सी, क्योंकि जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड को इमिट कर रहा है तो इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्पैरिकल सिमेट्रिक, एक स्पीयर्स की फॉर्म अगर आप देखें तो दिस इज द स्पीयर, तो सिमेट्रिक हर जगह सेम जाएगा, तो आंसर इज सी, स्पैरिकली सिमेट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, नाइदर स्केलर नॉर वैक्टर, ए वैक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, ए वैक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम प्लस क्यू टू माइनस क्यू। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट्स, माई डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं वॉट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। सपोज दिस इज द डाइपोल विच कंसिस्ट्स ऑफ टू चार्जेस, से माइनस क्यू एट पॉइंट ए एंड प्लस क्यू एट पॉइंट बी। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, मैंने आपको जब आर्टिकल कराया था तो मैंने वहां पे एक नोट भी बनवाया था आपको कि जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। इट मींस द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, प्लस क्यू से माइनस क्यू नहीं होती, ये बात आप ध्यान रखें। द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, ए डाइपोल विच कंसिस्ट्स ऑफ टू चार्जेस, इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस से 2a। तो ये डाइपोल है जिसमें दो चार्जेस ले रहा हूं, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। तो इसकी जो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो कहां होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इट मींस ए वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, क्यों वेक्टर, बिकॉज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम p से डिनोट करते हैं, और इसकी जो डायरेक्शन है इट विल फ्रॉम नेगेटिव q टू प्लस q। सो दीज आर द एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑफ यूनिट वन इलेक्ट्रोस्टेटिक्स। आगे मैं और भी बहुत सारे एमसीक्यूज के साथ आपके साथ आऊंगा और आपको इस तरीके से यहां पर समझाया जाएगा। तो मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्रिप्शन बॉक्स में माई यूट्यूब में सर्च में डालें PEC अकेडमी कुरुक्षेत्रा, आपको मेरी वहां फोटो भी नज़र आएगी, आप उसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि इस तरह के जो MCQ क्वेश्चंस हैं आप उन्हें अच्छे से समझ पाएं और बोर्ड में एक भी बच्चे का मार्क्स यहां पे डिडक्ट ना हो। एंड दिस अश्योरिटी ओनली गिवन बाय मिस्टर मनोज पहुजा हु रन द चैनल PEC अकेडमी कुरुक्षेत्रा। ये सारी अश्योरिटी आपको इस चैनल पर मिलेगी, और इस चैनल के थ्रू आई विल अश्योर टू यू कि नो एनी स्टूडेंट्स विल बी कन्फ्यूज इन MCQ। बट आपको मेरे चैनल के साथ जुड़ना होगा, उसे सब्सक्राइब करना होगा, उसे लाइक करना होगा, नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि आप इस नोटिफिकेशंस के थ्रू एक बड़े इंपॉर्टेंट मेरे जो वीडियोस हैं उनको देख पाएं, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी यू विल गेट ए नोटिफिकेशन ऑन योर मोबाइल फोन, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू सी कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस टुडे आई वॉज अपलोडेड, मतलब सो इस तरह के क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर पाएंगे। दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियोस and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra। तो जुड़े रहें, और बहुत जल्दी हम एक नई वीडियो के साथ आएंगे, यूनिट वन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के MCQ को लेकर आएंगे, और जल्दी ही वो आपको दोबारा से अगेन समझाए जाएंगे, ताकि आप इस तरह के जो MCQs हैं उन्हें अच्छे से अटैम्प्ट कर पाए। सो एट लास्ट माई डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, इफ यू लाइक माई वीडियोज, लाइक माई वर्क, लाइक माई एफर्ट, देन प्लीज डोंट बी फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। माई चैनल इज PEC अकेडमी कुरुक्षेत्रा। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, और
मेरा एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहा हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। जय गुरु जी।